88 99। हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शॉर्ट ट्रिक। कई बार ऐसा होता है कि लोग अक्सर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है छोटा सा क्वेश्चन रीजनिंग में कि किसी भी पहाड़े का जोड़ कैसे निकालें। आपको एक पहाड़ा दे दिया, उसका जोड़ दे दिया और फिर टिक लगाने को कहा कौन सा इसमें सही है। तो आपको उस पहाड़े का किस प्रकार से प्रयोग करना है, किस प्रकार से उस पहाड़े का आपको योग निकालना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडुटेक सरकारी सरजी में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स और शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारियाँ, विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट्स और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का विश्लेषण। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पहाड़ों का जोड़ कैसे निकालें या पहाड़ा का जोड़ कैसे निकालें। जिस प्रकार से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि दो के पहाड़े का योग कितना होगा, तो आपके सामने कुछ आंसर दिए होते हैं जिनका आपको उत्तर देना होता है। अब आप किस तरह से इसको निकालेंगे, दो के पहाड़े का योग कैसे निकालेंगे। तो आप अगर लिखेंगे दो का पहाड़ा और 20, अगर इसका आप जोड़ करने लगेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा और एक मिनट के अंदर आपको सवाल का जवाब देना है। तो सबसे सीधी बात है, आप इसको ना जोड़ेंगे ना आपको घटाएंगे, आप सीधे सीधे दो को 55 से गुणा कर देंगे, यानी आ गया आपका 110। दो के पहाड़े का योग आपका निकला 110, क्योंकि हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया पहाड़ा गुणे 55। आप 55 की संख्या का किसी भी पहाड़े से गुणा करेंगे तो हमारा पहाड़ा का योग आ जाएगा। ये एक बहुत ही छोटी ट्रिक है, इससे आप किसी भी बड़े से बड़े पहाड़ा का योग निकाल सकते हैं। मैं आपको इस प्रैक्टिकल को करके दिखाना चाहूँगा अपने मोबाइल फ़ोन के कैलकुलेटर से दिखाते हैं। मैं आपके सामने एक पहाड़ा लिखने जा रहा हूँ। मान लिया मैंने 15 का पहाड़ा लिखा, 15 15 दूना 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, 15 10 150। ये आपका टोटल हम आपका करके दिखा रहे हैं मोबाइल से कितना होगा अगर हम जोड़ें। तो 15 30 45 60 75 90 105 120 135 140। ये देखिए आपके सामने आंसर आ रहा है, देखिए मैंने दिखा दिया आपको 815, यानी टोटल हमारा है 815। ठीक, अब यहाँ हम करके देखते हैं क्या ये सही है। 15 को हमने अपने फार्मूले में रखा 55 से गुणा करने के लिए, तो हमारा कितना आता है आप यहाँ पर फिर देख लीजिए, 15 गुणे 55 बराबर 825। देखिए आपका आंसर वही आया ना, बिल्कुल सेम टू सेम। जो उत्तर आपके जोड़ में आया था इस पहाड़े के, वही उत्तर आपके 55 से गुणा करने पर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पहाड़े का जोड़ निकालने के लिए
पहाड़े को 55 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 55 से गुणा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रही मेरी शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी ही बहुत सी चीज़ें लेकर आता रहूं। मैंने अपने वीडियोज में निपुण भारत, मिशन प्रेरणा, स्कूल रेडीनेस एवं विद्या प्रवेश और चहक जैसे कार्यक्रमों को भी शामिल किया है। इनके विषय में वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, जाके आपको वहाँ पर हमारे वीडियोज मिलेंगे। और हमारे वीडियोज को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाता रहूं। इसी के साथ मैं अगली ट्रिक के लिए फिर आपके अगले वीडियो में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आप अपने भाई जितेंद्र को आज्ञा दीजिए, नमस्कार, प्रणाम, और आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा चैनल एडुटेक सरकारी सर जी।